नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंड टी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक इलाका है नवाबगंज, और थाना नवाबगंज के अंतर्गत आज कंपनी बाग चौराहे में मौजूद हूँ। जिस तरह एक शिकायत हमारे कार्यालय में आई थी कि यहाँ पे जो ट्रैफिक के पुलिस और यहाँ के स्टाफ खड़ा होता है वो किस तरह से अवैध वसूली करता है, किस तरह जनता का शोषण करता है, आज उसकी जानकारी के लिए मैं आ चुका हूँ कंपनी बाग चौराहे पर। और यहाँ पे जो मुस्तैद हैं, यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, जो यहाँ के ट्रैफिक के सिपाही, मैं इनसे जानकारी करता हूँ क्या सच्चाई है, क्या ये शोषण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं इनके पास चल रहा हूँ और मैं इनसे ही जानकारी करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि मैं देख रहा हूँ किस तरह यहाँ पे सिपाही मौजूद हैं और दरोगा जी मौजूद हैं। दरोगा जी, आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद तिवारी। तिवारी जी, यहाँ पे हमें शिकायत मिली है कि यह कंपनी बाग चौराहे पर जो स्टाफ मौजूद है वो स्टाफ द्वारा यहाँ पर अवैध वसूली हो रही है, जनता का शोषण हो रहा है, इस बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल गलत बात है, मैं यहाँ पे 2 महीने से हूँ, बिल्कुल गलत बात है। एक पैसा कोई वसूली नहीं हो रही, जो भी हो रहा है चालान हो रहे हैं। जिस तरह मुझे लगा कि यहाँ पे जो आपके साथ जो होमगार्ड के स्टाफ होते हैं, होमगार्ड भी मौजूद होती है, आपके ट्रैफिक के सिपाही भी होते हैं, वो सिपाही हमें देखा जाता है कि वो पहले तो किसी भी बाइक या किसी भी स्कूटर का फोटो खींचते हैं, फिर साइड में ले आके उनसे बाइक नहीं करते पैसे की, इस बारे में क्या कहना आपका? नहीं नहीं हम सब पे नज़र रखते हैं, थोड़ा स्टाफ है यहाँ, 3-4 लोगों का रहता है, सब पे नज़र रखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब गलत चलाते हैं। क्योंकि मैं जानकारी करना चाहता हूँ कि इस प्रकरण में कि किस तरह से यहाँ पर अवैध वसूली हो रही है, क्योंकि हमारे कार्यालय में शिकायत आई है, उस शिकायत के आधार पर हमको आना पड़ा है यहाँ पर जाँच करने के लिए। तो मैं यही जानकारी करना चाहता हूँ कि एक साथ सच्चाई है और सच्चाई तक पहुँचना भी चाहता हूँ। अगर इस तरह अवैध वसूली हो रही है तो उस पर रोकथाम के लिए मैं यहाँ के आला अधिकारी से ही बात करूँगा। और आपका क्या कहना है? बिल्कुल आप बात करिए, बिल्कुल है, जांच करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक पैसा वसूली नहीं होती है। ये मेन चौराहा है, और DCP मैडम अक्सर आती रहती हैं, बड़े अधिकारी आज दिन भर घूमते हैं यहाँ। DCP मैडम से भी बात करूँगा, उनको भी अवगत कराऊँगा इस प्रकरण को, उनसे भी जानकारी लूँगा कि ये जो यहाँ पर स्टाफ आपका इस तरह से सोशल अवैध वसूली कर रहा है, इस पर रोकथाम लगाएं और उसमें एक्शन लें, जो भ्रष्ट अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हाँ, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, क्या नाम आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह की शिकायतें जो मिल रही है आप लोगों की, इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या अवैध वसूली हो रही है? नहीं, बिल्कुल गलत हो रही है। आप यहाँ खड़े हो जाइए कोने में कहीं, वहाँ से देखते रहिए कौन रोक रहा, कहाँ से ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बाहर रोका नहीं जा रहा है। जो भी चालान करते हैं हमारे साहब फोटो लेते हैं, चालान के योग्य है तो हो जाता है, नहीं तो छोड़ देते हैं, मतलब पकड़ते नहीं हैं, चलते चलते फोटो लिया और चालान के दायरे में है तो चालान होता है, नहीं तो कैमरा लगा है ऑटोमेटिक वाला, चालान होते रहते हैं। चलिए, जैसा ये अवगत करा रहे हैं कि मोबाइल से फ़ोटो खींच कर चालान किया जाता है और किसी का अवैध वसूली नहीं की जाती है, आइए अब अगले चौराहे पर भी देखते हैं किस तरह से लोग जनता का शोषण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी जानकारी करते हैं, आइए चलते हैं। जिस तरह शहर में सर्वे चल रहा है एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ का, आज सर्वे करते करते मैं यहाँ पे आ चुका हूँ भार्गव चौराहे पर, जो कचेरी रोड जाता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी ट्रैफिक के कुछ सिपाही खड़े हैं और साथ में यहाँ पे खड़े हुए हैं एक दरोगा जी, जिस तरह से यहाँ के ट्रैफिक को संभाल रहे हैं और मुस्तैद हैं और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जिस तरह से ईमानदारी का की मिसाल उन्होंने कायम की है, और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोगों को रोक रहे हैं, जो जेन्यून है उनको जाने दे रहे हैं, जो जेन्यून नहीं है उनका चालान भी कर रहे हैं। और जिस तरह से एंटी करप्शन की शिकायत आई थी कि एंटी करप्शन में यहाँ पे पुलिस द्वारा शोषण हो रहा है, तो मैंने उसको भी आपको जानकारी दी। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो दरोगा जी मौजूद हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, दरोगा जी आप यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर किस तरह से चालान कर रहे हैं? ये बनबे है, ये भार्गव हॉस्पिटल से बड़ा चौराहा बनबे है, ये रॉन्ग साइड में मना करते हैं, नहीं मानता है तब उनका चालान करते हैं, और ये जैसे नो पार्किंग में दाएं बाएं गाड़ी खड़ी कर रखते हैं तो उनका भी नो पार्किंग में होता है। ये है जैसे दरोगा जी बता रहे हैं, जो नो पार्किंग है, जो अवैध तरीके से यहाँ से बगैर हेलमेट वाले या गलत रॉन्ग साइड जा रहे हैं, ये वन वे है, वन वे का जो पालन नहीं कर रहे हैं उसका चालान कर रहे हैं। और इनको जब इनसे मैंने बात की, इनका कहना है मैं भी एक बार गलत तरीके से गाड़ी चला रहा था, मेरा भी 6,000 चलान हुआ। और इस तरह से आपका दरोगा जी कैसे चलान हो गया? वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं थी और जिस दिन लगवा रहे थे उसी दिन चालान वो उसने फोटो गई, उसी दिन चालान हो गया था। क्या चालान को आपने भरा? हाँ,
चालान गया, उसी दिन हमारा हुआ था वो, तो उसी दिन हम दिखाए, लेकिन वो इसके पहले ही चालान। आपके अधिकारियों ने आपको कोऑपरेट नहीं किया कि आप स्टाफ के होने के बाद आपका चालान माफ किया जाए? कोऑपरेट करने की बात होती है तो उसमें कोऑपरेट करते, हर चीज़ में कोऑपरेट नहीं करते हैं। जैसा कि इनका कहना है कि मेरा खुद का भी चालान हुआ 6,000 का, मैंने उसको भरा और अधिकारियों ने उसमें कोई हमें कोऑपरेट नहीं किया, और मैं यहाँ पर जो यहाँ पर चालान मैं कर रहा हूँ जो इनलीगल हैं मैं सिर्फ उनका ही कर रहा हूँ। आइए मैं आगे दिखाता हूँ और किस तरह से चलान हो रहे हैं, किन चौराहों पे क्या गतिविधियां हैं पुलिस की, आइए चलते हैं। जैसा कि कानपुर में डीसीपी रवीना त्यागी जी यातायात को लेकर के बड़ी मेहनत को कर रही हैं, लेकिन उन्हीं मेहनत पे कुछ पुलिसकर्मी पानी फेरते नजर आ रहे हैं। इसी जो उनकी मेहनत है हम देखना चाहेंगे, कैमरामैन हमारे सामने दिखाएं कि किस तरीके से मैं मौजूद हूँ कानपुर के स्वरूप नगर मटके वाले चौराहे पे। यहाँ कुछ पुलिसकर्मी हैं जो ट्रैफिक को लेकर के जो शिकायत हमारे कार्यालय में आई थी कि कुछ पुलिसकर्मी पीड़ित जन को जो गाड़ी से ले आते हैं उनका जो चालान करते हैं। पुलिसकर्मी हमारे बीच में हैं, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, जैसे हमारे कार्यालय में एक शिकायत आई हुई है कि यहाँ पर आप फोटो खींच करके उसको उस पीड़ित जन को अकेले ले जा कर के सुविधा शुल्क के बारे में यहाँ पर बात होती है, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, जब से हम आए तब से कोई बात नहीं, जब से हम आए यहाँ तब से कोई बात नहीं, और लोग कोई शिकायत है ना पब्लिक शिकायत करती है। जैसा कि अभी मैं देख रहा था कि आप वहाँ पर बैठे हुए थे, तो आप ड्यूटी के दौरान आप यहाँ क्यों बैठे हुए थे? आपको तो यहाँ खड़ा होना चाहिए, आप हम लोग को देख कर खड़े हुए हैं। बेटा पैर में पैर सर रॉड पड़ी थोड़ी देर बैठ गए। रॉड उनके पैर में पड़ी है, उनसे हम जानते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे पैर में रॉड पड़ी हुई है तो बैठे हुए थे, और यहाँ पर जो सरकार इनको पैसा देती है बैठने के लिए देती है। आपको क्या नाम है? हरनाम जी। हरनाम जी, जैसा कि मीडिया आपके सामने आ रही थी आप देख करके उठ के तुरंत आए हैं, और क्या बैठने की ड्यूटी करते हैं आप? नहीं, खड़े हैं। जब खड़े ड्यूटी है तो आप जो हमारी कर्मठशील डीसीपी रवीना त्यागी जी उनकी मेहनत को पानी ना फेरिए। और जैसा कि एक शिकायत आई है कि क्या बोलते हैं, जैसा लोग गाड़ी जाते हैं कार से जाते हैं उनका फ़ोटो खींच के आप किनारे जाकर सुविधा शुल्क लेते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखो, हम जब से लगे हैं ना हमने फ़ोटो खींची है, किसी ना हमारे सामने कोई चालान हुआ है, हम कुछ नहीं, हम अपनी ड्यूटी जाम नहीं लगने देते, ड्यूटी करते हैं। जैसा इन्होंने अपनी सफाई में बताया कि हमारा काम चलान का नहीं, हमारा काम जाम ना लगने का है। अगले अपडेट्स आपको रूबरू कराएंगे, जब तक मेरे साथ जुड़े रहें और आगे अन्य चौराहे पे कानपुर में आपको दिखाएंगे कि क्या पुलिस के द्वारा गतिविधियां हो रही हैं। जैसा कि मैं पहुंच चुका हूं कानपुर के मरी कंपनी पुल के पास, बगल में अगर जाते हैं तो कैंट पड़ता है, और आप सभी जानते हैं कि कानपुर का यातायात जो भार है वो हमारे कानपुर के डीसीपी रवीना त्यागी जी को देख रही हैं, कैसा यातायात को कैसे अपडेट करना है, कैसे जनता को या जितने गाड़ी चालक लोग हैं वाहन चालक लोग कैसे उनको आराम देना है। इसी क्रम में मैं मौजूद हूँ माल लोड के मरी कंपनी पुल के पास। आप देख रहे हैं कि अन्य कई पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत में काम कर रही हैं, इन्हीं से हम पूरी जानकारी को लेते हैं। क्या यहाँ का माहौल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया कपिल है। कपिल देव जी, जैसा कि हमारे कार्यालय में एक शिकायत आई हुई है कि जैसा कमिश्नरेट लगा हुआ है और रवीना त्यागी जी बहुत मेहनत कर रही हैं यातायात को लेकर के, लेकिन उनकी कुछ मेहनत पे कुछ पानी फिर रहा है, और पानी कुछ ऐसे फिर रहा है कुछ पुलिसकर्मी फ़ोटो खींच करके जो वाहन चालक है उनको किनारे ले आकर सुविधा शुल्क लेते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? भैया, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या आपके द्वारा ये काम होता है? जी भैया, इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमें इस बारे में कोई बाइट देने का अधिकार नहीं है। आप इस बारे में पूछ सकते हैं ट्रैफिक के लेकर, बस बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। ट्रैफिक को लेकर के आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भैया जी, यहाँ जो यातायात सुचारू रूप से चले बस इसी के लिए हमें ड्यूटी लगाई गई है। क्या जाम लगता है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं लगता। जैसा कि आपने कहा कि हम बस पीक आवर में थोड़ा सा रहता है जब स्कूल छूटते हैं या शाम को रहता है। जैसा कि आपने कहा सुविधा शुल्क के बारे में नहीं बता सकते, तो इसमें आप सफाई क्यों दे रहे हैं? क्या इसमें आप काम कर रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे जनता को बताएं। भैया जी, ये गलत बात है, हम ना ट्वीट करने किसी भी चीज़ को कहने का हमको कोई अधिकार ही नहीं,
इस बारे में आप उच्च अधिकारियों से पूछें। आप ये तो बता सकते हैं कि आप सुविधा शुल्क ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? भैया जी सॉरी यार, ये गलत बात है ना आपकी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ कोई गाड़ी रोकते हुए, कोई किनारे लगाते हुए दिख रहा है आपको कि किसी को रोका गया हो या किसी की फोटो खींच रहा हो कोई यहाँ? तो आपका काम है कि यहाँ पर जाम ना लगे, आप देखते हैं? यही हमारा काम है ट्रैफिक पुलिस। तो कपिल जी कहना है कि जो जाम यहाँ पर है हम वो देखते हैं और सुविधा शुल्क के बारे में नहीं बता सकते और ना चालान के बारे में बता सकते हैं। आपका नाम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा भैया यही जाम वाम छुड़ाते रहते हैं, जो जाम लगता है जो गाड़ियाँ या जो एक डेढ़ बजे स्कूल स्कूल को जाम लगता है तो वही हम लोग ये देखते रहते हैं। और हम लोग से नहीं मतलब है कि चालान करना कि क्या देना, हमारे पास इतना पावर है, हम होम गार्ड है। और हमको तो चालान करने का अधिकार जी बता करते हैं TSI महोदय। हाँ बताइए 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 बात भैया जी, इतना बहुत है। तो यहाँ देखा कि यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो बता रहे हैं कि हमारा चालान जो कोई मतलब नहीं, हमको जाम के लिए यहाँ पर रखा गया है कि जाम न लगे इस रोड पे, क्योंकि ये हाईटेक चौराहा है बता इनका कहना है। और आपको आगे ले चलते हैं कि DCP रविना त्यागी से मुलाकात कराते हैं, उन्हीं से हम खास चीज़ बातचीत करते हैं, यहाँ के माहौल को उनको अपडेट देते हैं। आइए कैमरा में चलते हैं उन्हीं। हमारी टीम पूरे कानपुर में ग्राउंड लेवल पर उतर करके आपको पुलिस ट्रैफिक का पूरा हाल आपको दिखाया। मैं मौजूद हूँ कानपुर के पुलिस ट्रैफिक लाइन पे जहाँ पर DCP रविंद्र त्यागी जी का ऑफिस है, इनसे मुलाकात करने आया लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन इसी अंतराल में मुझे एडिशनल DCP मृगांक शेखर पाठक जी मिले। जैसा कि हमने उनसे कहा कि आप बाइट दीजिए, उन्होंने बाइट देने के लिए मना किया और उन्होंने कोई कानपुर शहर का उन्होंने हाल नहीं बताया। हमारी कोशिश रहती है कि हम ग्राउंड लेवल पर उतर के आपको कवरेज दिखाएं और उसके बाद अधिकारी की क्या गतिविधियाँ हैं, उनके द्वारा क्या कानपुर में यातायात को लेकर क्या सुविधा दी गई हैं। लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया मृगांक सिंह पाठक जी ने कि मुझे बाइट नहीं देनी क्योंकि मैं सिविल ड्रेस में हूँ और मैं जब यूनिफॉर्म में आऊँगा तब मैं बाइट दूँगा। ऐसे ही आपको किसी नए प्रकरण से आपको रूबरू कराऊँगा, जब तक हमारे साथ जुड़े रहें जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। जय हिंद जय भारत।